आज मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार चैनल पर गया और एक नई साउथ मूवी देखा और इस मूवी का नाम है जय 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 हे। और यह मूवी एक फैमिली ड्रामा मूवी है और इस मूवी में आपको कॉमेडी देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही शानदार मूवी फ्रेंड। और इस मूवी को आप देखोगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। वेल, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हो वर्ल्ड मूवी रिव्यू। चलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू करते हैं। पहले इस मूवी की बात करूं तो बहुत ही कम बजट में यह मूवी बना है और बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का कमाई किया है फ्रेंड। यह मूवी बहुत ही शानदार तरीके से इस मूवी को प्रेजेंट किया है। और इस मूवी की स्टोरी की बात करूं, जय नाम की एक एक्टर रहती है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और उसके माता पिता ये चाहते हैं कि हमारी बेटी बाढ़ गई है तो इसको हम शादी कर देते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी और इसको हम जल्दी से इसको शादी कर देते हैं। और उसके बाद जय के माता पिता जय की शादी करवा देती है राजेश के साथ। उसके बाद इस स्टोरी को आपको देखना पड़ेगा, क्या जय अपने पढ़ाई को पूरा कर सकती है कि नहीं, और जिस राजेश के साथ शादी हुआ है क्या उसको अच्छे से खुश रखता है कि नहीं, और उसके फैमिली में क्या प्रॉब्लम होता है और जय के लाइफ में क्या प्रॉब्लम होता है। तो इन सब बातों को जानने के लिए इस मूवी को आपको देखना पड़ेगा। और मुझे यह मूवी मुझे बहुत ही अच्छा लगा और पूरी तरीके से यह मूवी फैमिली ड्रामा मूवी है और इस मूवी को आप देखोगे फ्रेंड आपको दिल बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि जो महिलाओं लोगों के साथ कितना अत्याचार होता है शादी होने के बाद और कैसे जो पुरुष लोग जो महिला लोगों के साथ जो अत्याचार करता है इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। और लड़की लोगों की जो काबिलियत होती है ना तो उसके बारे में बहुत ही सटीक तरीके से इस मूवी को प्रेजेंट किया है। इस मूवी का खास बात मुझे ये लगा कि जब जय राजेश के घर जाती है तो बहुत ही अत्याचार सती है राजेश के वजह से, क्योंकि राजेश बिना वजह के जय को मारते रहती थी और उसके बाद जय कैसे बदला लेती है वो तो भाई साहब इस मूवी को देखोगे आपको तभी पता चलेगा। इस मूवी की एक्टिंग की बात करूँ तो बहुत ही जबरदस्त है और इस मूवी में जो बैकग्राउंड जो म्यूजिक भी चलता है वो भी बहुत ही अच्छा है और इसमें का एक जो सॉन्ग है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इस मूवी का जो हिंदी जो डबिंग राइट है वो बहुत ही कमाल का है और इस मूवी को बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग मिला है। 10 में से 7.9 का रेटिंग हासिल है इस मूवी को और 92% गूगल जर पसंद किए थे इस मूवी को। जाओ फ्रेंड इस मूवी को डिजी पर हॉटस्टार चैनल पर देख सकते हो, हिंदी भाषा में अवेलेबल हो चुका है और इस मूवी को पूरे फैमिली के साथ देखना आपको जरूरी आपको अच्छा लगेगा। और अगले वीडियो में मिलता हूँ, टेक केयर, बाय।